नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 जनवरी सोमवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस को देखते हुए गहलोत सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। रविवार देर रात को गृह विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार शादी समारोह में अब अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। वहीं राजधानी जयपुर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए दोनों नगर निगम क्षेत्रों हेरिटेज और ग्रेटर में आने वाली 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। अन्य जिलों में जिला मजिस्ट्रेट हालात देखकर इस पर निर्णय ले सकेंगे। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में आगामी 5 जनवरी के बाद बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। अखिल भारतीय सेवा के 102 अफसरों के प्रमोशन के बाद गिनती के ही बदलाव किए गए हैं। अधिकांश अफसरों को मौजूदा पदों पर ही रखा गया है, क्योंकि 5 जनवरी तक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के चलते कलेक्टर और इस कार्यक्रम से सीधे जुड़े अफसरों के तबादलों पर रोक लगी हुई है। यही वजह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बावजूद तबादले नहीं हो सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ड्यूटी टाइम ने हैरान कर दिया। दरअसल रामनिवास बाग में गरीबों को कंबल बांटकर शनिवार रात 12 बजे सीएम गहलोत लौट रहे थे, तभी उन्होंने मोती डूंगरी चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बात करने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। गहलोत ने जवानों से उनकी ड्यूटी का शेड्यूल पूछा। ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बताया कि वे 12 घंटे से अधिक की ड्यूटी करते हैं। इस पर गहलोत ने ट्रैफिक जवानों की ड्यूटी का टाइम व्यवस्थित करने के निर्देश जारी किए। उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मिट्टी में सेंसर आधारित तकनीकी पर रिसर्च हुआ है, जिसमें किसानों को उनके खेत की मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी मोबाइल पर मिल जाएगी। ऐप पर किसानों को इससे पहले ये पता चल जाएगा कि फसल में खाद, पानी या रसायन का छिड़काव कब करना है। इससे वे उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब तक देखने में मिला है कि किसानों को फसल के बारे में तकनीकी जानकारी नहीं रहती है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को जिला उपाध्यक्ष बनाने पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। चर्चा है कि ये नियुक्तियां कराकर पीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने बिसू का प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर अपनी नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते मंत्रिमंडल विस्तार में डोटासरा समेत हरीश चौधरी और रघु शर्मा ने पद छोड़ा था। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का आरोप है डोटासरा ने अपनी नियुक्ति के लिए ये चाल चली है। राजस्थान में 32,000 पदों पर तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों ने तबादले की मांग उठाई है। शिक्षा विभाग ने 6 महीने पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों से तबादलों के लिए आवेदन मांगे थे। विभाग के करीब 85,000 शिक्षकों ने आवेदन भी कर दिया, लेकिन अब तक मामला ठंडे बस्ते में पड़ा है। राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले तुरंत खोले जाएं। सहकारी क्षेत्र के किसानों की कर्ज माफी कर चुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साझेदारी में कर्ज माफी का ऑफर दिया है। दरअसल ये बैंक 3 लाख से अधिक किसानों का 6,018 करोड़ रुपए से अधिक का लोन एनपीए घोषित कर चुके हैं। ऐसे में सरकार ने ऑफर दिया है कि एनपीए हो चुके लोन का 10% सरकार चुकाएगी, जबकि 90% बैंक माफ करेंगे। राजस्थान में फिर से कहर बरपा रहे कोरोना को लेकर वापस पुराने हालात होने लग गए हैं। राज्य सरकार के गृह विभाग ने रविवार देर रात नई गाइडलाइन जारी करते हुए जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्रों में आने वाली 1 से 8 तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूल आगामी 9 जनवरी तक बंद कर दिए हैं। उसके बाद जोधपुर में भी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। जोधपुर के नगर निगम उत्तर और दक्षिण में आने वाले 1 से 8 तक के बच्चों के सरकारी और निजी स्कूलों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। बैंक की नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर और चीफ डिजिटल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती केवल 6 पदों के लिए है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 10 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साल के तीसरे दिन सोमवार को भी अलवर जिले में मौसम साफ है। सुबह हल्का कोहरा जरूर था, लेकिन धूप भी साथ में निकल गई, जिसके कारण सर्दी से काफ़ी राहत है। धूप निकलने से जिले में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। वहीं अब न्यूनतम तापमान भी कुछ ऊपर आया है। सोमवार सुबह सूरज उगने के साथ ही सर्दी का असर कमजोर पड़ता गया, जबकि रात को कड़ाके की ठंड ने धूप नहीं छुड़ा दी। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 4 लेन को 6 लेन में बदलने का काम चल रहा है। उदयपुर से गुजरात के शामलाजी तक 6 लेन का काम पूर्ण हो चुका है। वहीं गुजरात में फिलहाल काम चल रहा है। 6 लेन का राजस्थान सीमा में काम पूरा होने से उदयपुर से बिछीवाड़ा तक का सफ़र अब सिर्फ 1.5 घंटे में पूरा हो रहा है। यही 6 लेन डूंगरपुर के लिए समृद्धि लेकर आ रहा है। बिछीवाड़ा नेशनल हाईवे से जुड़ा क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर निवेश की संभावना बढ़ती जा रही है।
राजस्थान के शेखावाटी इलाके में सर्दी ने आज फिर जोर पकड़ लिया। अंचल के फतेहपुर कस्बे में सोमवार को न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री गिरकर 2.7 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं कई इलाकों में सुबह कोहरा भी छाया रहा, जिससे दृश्यता के साथ सर्दी से आमजन भी प्रभावित रहा। हालांकि बाद में दिन चढ़ने के साथ खिली धूप ने सर्दी से राहत दी है, लेकिन अब भी लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में लदे नजर आ रहे हैं। इधर मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश में 5 जनवरी से फिर से बरसात होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBD न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।